जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल में। तो चलिए, आज आपकी पारा शिक्षकों के यहाँ पर माननीय मंत्री जी और सचिवों के साथ बैठक थी, वार्ता थी, जिसमें अहम मुद्दे पर फैसला होनी है। तो देखिए, अभी तक यहाँ पर जो अहम मुद्दा थी उस पर अभी जो एक चिट्ठी लेटर जारी हो गया है, तो ये जो चिट्ठी आपके जारी हुए हैं तो अभी तक लोग कन्फ्यूजन में थे, ठीक है। अभी तक आपकी कन्फ्यूजन बनी हुई होगी, लेकिन यहाँ पर चिट्ठी जारी कर दिया गया है। आप सभी चिट्ठी को देख लेंगे कि चिट्ठी में क्या कुछ कहा गया है आप सभी के लिए। तो अब यहाँ पर जो है आपका मोहर लगना जो है बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए तय हो गया है, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है और आपकी यहाँ पर अस्थाई होने जा रही है, वेतनमान पर मोहर लगने जा रही है। तो आप सभी देखिएगा इस चिट्ठी में क्या कुछ कहा गया, आपको क्या शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से क्या कुछ वार्ता के लिए बुलाया गया है। तो आप स्पष्ट चिट्ठी देख लीजिएगा, ठीक है। चिट्ठी को पूरा पढ़े हुए आप नहीं जाइएगा। और मैं आपको बता दूँ कि यदि पारा शिक्षक आकलन परीक्षा होती है तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पारा शिक्षक का मैंने आकलन परीक्षा का वेतन डाल दिया हूं। उसके साथ साथ यहां पर पारा शिक्षक के जो बिहार के तर्ज पर हो रहे हैं उनका जो सिलेबस था वो भी मैं आपको इस चैनल पर डाल दिया हूं। उसके साथ साथ यहां पर जो वेतन बनने वाली संबंधी विसंगति थे उसको भी मैं बता दिया हूं, किस तरह से आकलन परीक्षा होगी उसको भी बता दिया हूं पारा टीचर का, और जो यहां पर 2016, 2017, 2018, 2019 जो हुए हैं उसका प्रश्न पत्र भी आपको दिया जा रहा है। तो आप सभी देखते हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ लेटर आपके लिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे आप पत्रांक दिनांक कितना है, 18/8/2021 का लेटर है, 18/8/2021, ठीक है। प्रेषक जयंत कुमार मिश्र, प्रशासी पदाधिकारी सेवा में। यहाँ पर संयोजक एकीकृत पारा शिक्षक संघ मोर्चा झारखंड रांची द्वारा प्रदत्त इकाई है, ठीक है, विभिन्न मामलों में, ठीक है। क्या है आकलन, झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा संघ राज्य इकाई रांची। पारा शिक्षकों के विभिन्न मुद्दों, ठीक है, पारा शिक्षक के विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में, पारा शिक्षक के विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड के संबंध में महाशय, ठीक है, महाशय क्या है, महाशय उपरोक्त विषयक निर्देशानुसार सूचित करना है, किया जाता है कि राज्य के पारा शिक्षकों के विभिन्न मामलों के संदर्भ में दिनांक 18/8/2021 को अपराह्न चार बजे एक बैठक आयोजित की गई है रांची के शिक्षक विषय ग्राउंड में साक्षरता विभाग झारखंड के अपात में आयोजित की गई है, ठीक है, के अज्ञात कार्यालय में आयोजित की गई है। एकीकृत पारा संघ मोर्चा के 5 प्रतिनिधि का झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा संघ राज्य इकाई और रांची के 3 प्रतिनिधि को भाग लेने की स्वीकृति दी गई है, ठीक है। स्वीकृति किनको किनको दी गई है, तो राज्य के 3 और यहाँ पर रांची के 3 पारा शिक्षक और राज्य के 5 प्रतिनिधि को बैठक इकाई को आयोजित करने के लिए कहा गया है। चलिए आगे देखेंगे, भाग लेने की स्वीकृति दी गई है। वैश्विक महामारी को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत बैठक में वैसे प्रतिनिधि भाग ले सकेंगे जिसका COVID-19 वैक्सीन का दोनों डोज पूर्ण हो गया है। तदनुसार निर्देशित किया जाता है कि उक्त बैठक में ससमय दोनों समितियों के COVID-19 दोनों डोज पूर्ण करने वाले शिक्षक सहित प्रतिनिधि भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। अब देखेंगे, तदनुसार दिया जाता है कि बैठक में ससमय समितियों के दोनों डोज पूर्ण करने वाले सचिव पर सुनिश्चित करेंगे। अब विश्वास भाजन में देखिएगा 18/8/2021 जयंत कुमार मिश्रा जी के द्वारा दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ पर बिल्कुल सही बात आपकी जो कही गई थी, माननीय मंत्री जी शिक्षा मंत्री जी पूरे आपके पक्ष में आ चुके हैं और आपके जो हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होने वाली है। तो आप सभी यहाँ पर देखते रहिएगा, बने हुए रहिएगा और देखेंगे आप इसमें यहाँ पर आपके कि आज क्या होते हैं। तो जैसे ही कुछ न्यूज आता है मैं आपको जरूर अपडेट करते रहूँगा, तो आप चैनल पर जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे अपडेट साथ ही साथ आकलन परीक्षा की तैयारी, JTET की तैयारी और JSSC की तैयारी भी आप इस चैनल पर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने हुए रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ज्वार झारखंड, आपका शुभ हो।